विधायक किन मांगों को लेकर आप हिमाचल मिले थे और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? देखिए, हम लोग शिक्षा मित्र हैं और पिछले 17 वर्षों से इस बेसिक शिक्षा में काम कर रहे हैं। 25 जुलाई के बाद में शिक्षा मित्रों की बहुत हालत ख़राब है और अब तक प्रदेश में लगभग 500 शिक्षा मित्र उससे परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। जो हम लोगों को पहले 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज 10,000 रुपये हो गई है। उन्हीं मांगों के लिए हम माननीय सांसद जी से आज मिले हैं, जिससे वो हमारी पीड़ा को प्रधानमंत्री जी तक उठा सकें। हमारी मांग है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारत सरकार के 9 अगस्त के अमेंडमेंट के हिसाब से शिक्षक बनाया गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक बनाया जाए। और अगर उसमें किसी तरह की अड़चन है तो जो 7 तारीख को आदेश जारी हुआ है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि शिक्षा मित्रों को 38,878 रुपये का मानदेय दिया जाए या उस मांग को माना जाए। आज शिक्षा मित्र बहुत दुखी है और उन्हीं पीड़ा को लेकर हम लोग आए हैं। माननीय सांसद हेमामाली जी से आज मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। काफ़ी वो इसको लेकर दुखी हुई कि 500 शिक्षा मित्र हम लोग अभी तक जान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कल मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रही हूँ और अगर वहाँ मैं आपकी बात को इसको उठाऊँगी। जी, हेमा जी से मिले थे, क्या आपने अपनी मांग रखी और क्या आश्वासन उन्होंने दिया? हम लोगों ने सांसद जी से बोला था, हम लोग शिक्षा मित्र हैं और 25 अगस्त 2017 को हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ, जिसमें कि 500 लोग अब तक आहत होकर आत्महत्या कर चुके हैं। और जब उन्हें ये पता चला कि 500 लोग आत्महत्या कर चुके हैं तो उससे वो बहुत आहत हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल वो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगी और हमारी बात रखेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप? अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, क्या उम्मीद लगती है कि सांसद से मुलाकात के बाद आपको न्याय मिल पाएगा? जी, उन्होंने जो आश्वासन दिया है अभी तो उसी पे भरोसा करना है, बाकी देखिए प्रदेश में आंदोलन होगा अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो। और इसी के साथ